हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बात करने वाले हैं सौंफ के बारे में, यानी फेनल सीड्स फॉर वेट लॉस। पहले तो बता दूं कि फेनल सीड्स के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। आयुर्वेद में इसे एक मेडिसिन के तौर पर लिया जाता है। एक बहुत ही हेल्दी हर्ब है ये, जिससे एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल सकता है। हमारे तो डाइट में एक तरह से इसे कहेंगे कि एक स्टेपल है। सौंफ खाने के बाद सौंफ खाना इज़ रिचुअल, एक तरह का एक नियम जैसा बना हुआ है। क्योंकि आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ मैग्नीज़। फेनल सीड्स के अंदर मैग्नीज़ आपको मिलेगा। मैग्नीज़ जो होता है वो आपके स्टमक के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जो ना सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं, आपकी फूड के मेटाबॉलिज्म को काफ़ी बेहतर बना देते हैं। सो फेनल सीड्स के अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोगोल, एंथोल, फेनेच, एंटीस्पास्मोडिक एंड एंटा एसिड कंपाउंड्स, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। आयुर्वेद में इसे एक मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। साथ ही ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी फेनल सीड्स यानी सौंफ का या एनी सीड्स का बहुत इस्तेमाल होता है। फेनल सीड्स जो होते हैं कैरेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इंडिया जो है वो फेनल सीड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग नेशन है। चाइना, बुल्गारिया, ईरान, मेक्सिको, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होता है, और ग्रीक्स, रोमन्स, इटालियंस ये भी बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं सदियों से, साथ ही इजिप्ट भी। नाउ फेनल सीड्स को हम हमेशा सीड्स की तरह देखते हैं, लेकिन अगर फेनल की बात की जाए यानी सौंफ की बात की जाए तो पूरा एक पेड़ जो होता है उसका, वो पूरा का पूरा पेड़ आपके लिए लाभदायक होता है। उसकी जो रूट होती है, फेनल बल्ब जिसे कहते हैं, उसका सैलेड बनाया जाता है, उसे सौते करके खाया जाता है, उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। फेनल के फ्लावर्स को भी यूज़ किया जाता है, उसके स्टॉक्स को भी यूज़ किया जाता है एज अ हर्ब, फ्रेश हर्ब्स की तरह। इसका ऑयल भी आपको मिलता है और इसका अर्क भी आपको मिलता है बाज़ार में। तो इतनी सारी वैरायटी में ये आपके लिए अवेलेबल है। न्यूट्रिशियस वैल्यू पर अगर नज़र डालें तो फेनल के बल्ब जो होता है, यानी जो हरा पार्ट होता है, नीचे का जो वाइट पार्ट होता है, वो फाइबर में और पोटेशियम में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सीड्स। लेकिन अगर हम सीड्स की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीज़, आयरन और मैग्नीशियम इसमें बल्ब के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही इसमें कॉपर भी आपको मिलेगा, जिंक भी और फोलेट भी आपको मिलेगा। तो इतने सारे विटामिन एंड मिनरल्स इसके अंदर होते हैं, तो आपकी बॉडी के लिए इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। फेनल सीड्स जो होते हैं उनकी तासीर ठंडी होती है, यानी उनका इफ़ेक्ट जो होता है आपकी बॉडी पर कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। और ये तीनों चीज़ें आयुर्वेद में जिसे कहते हैं पित्त, वात और कफ, तीनों को शांत करने में हेल्प करता है। फेनल सीड्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव फायर यानी आपके पेट की जो अग्नि होती है उसे ये बूस्ट। तो फेनल सीड वेट लॉस के लिए इतने पॉपुलर क्यों हैं? सबसे पहले तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे क्वर्सीटिन, एपिजिनिन, क्लोरोजेनिक, रोसमेरिनिक एसिड। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्लांट बेस्ड और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं ये। साथ ही मैग्नीज़ होता है। मैग्नीज़ का काम क्या है? वो आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव करते हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, आपके सेलुलर प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं, यानी सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बोन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, साथ ही आपकी ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करते हैं। इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन से आपको निजात दिलाते हैं। IBS, हार्टबर्न, एसिडिटी यानी इरिटेटेड बोल सिंड्रोम से क्योर करने में मदद करते हैं। साथ ही वेट लॉस की अगर बात की जाए तो सप्रेस करते हैं आपकी एपेटाइट को, यानी आपकी भूख को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। आपके बाइल जूस को इंक्रीज़ करते हैं लिवर के अंदर, आपके गट के लिए बहुत हेल्दी हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर इसका, चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो आपकी बोन्स के अंदर या फिर आपके स्टमक के अंदर। रिड्यूस करते हैं वाटर रिटेंशन को, जो वाटर वेट होता है उसे कंट्रोल करते हैं, बिकॉज पोटेशियम बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। बैलेंस करता है हार्मोन को और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जब आप फेनल सीड्स को चू करते हैं तो आपके सलाइवा के अंदर नाइट्राइट कंटेंट बढ़ जाता है, और साथ ही इसके अंदर होता है पोटेशियम, जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल्स एंड बॉडी के फ्लूइड के लिए। इसीलिए ये आपकी हार्ट रेट और आपकी BP को कंट्रोल करता है। साथ ही वाटर रिटेंशन ड्यूरेटिक इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पर, आपकी बॉडी से ये फ्लश आउट करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, यानी कि इसके अंदर डायफोरेटिक प्रॉपर्टीज होती है जो स्टिमुलेट करती है पर्स्पिरेशन को, यानी आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर को दूर करने में ये मददगार होता है। आपको किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, चाहे वो एस्थमा है, चाहे वो ब्रोंकाइटिस है, कोल्ड है, कफ है, उससे रिलीफ दिलाता है। ये रिड्यूस करता है तीनों चीज़ों को, वात, पित्त एंड कफा। इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर भी ये कोल्ड एंड कफ को ट्रीट करने में सो बेसिकली कहते हैं ये गर्म होता है, लेकिन बॉडी पर इसकी जो तासीर दिखती है, जो इसका असर होता है वो ठंडा होता है। साइनस अगर आपको है, म्यूकस बहुत ज़्यादा है, कंजेशन है आपको, तो आप इसे यूज़ कीजिए। आप इसे गागल कर सकते हैं, आप इसे स्टीम कर सकते हैं, यानी इसकी भाप ले सकते हैं, और इसकी चाय भी काफ़ी बेनिफिशियल है इन सभी चीज़ों में। साथ ही आपके HB यानी हीमोग्लोबिन जिसका कम हो, एनीमिया जिसे प्रॉब्लम होती है खासकर लेडीज़ में, उन्हें काफ़ी फ़ायदा करता है। ये आयरन होता है, साथ ही इसके अंदर होता है हेस्टिडाइन जो प्रमोट करता है रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में, और साथ ही आपकी बॉडी ऐसे में ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाती है। इसके अलावा आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से प्रिवेंट करता है, इम्प्रूव करता है फोकस, कंसंट्रेशन में। सो अगर आप किसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल चाय जो होती है उसे रिप्लेस करके अगर आप फेनल टी लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरह फोकस कर पाएंगे। डिप्रेशन, अगर आपको स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, उससे भी रिलीफ मिलता है। तो आज के बाद अगर आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको फोकस चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ रेगुलर कप ऑफ टी और कॉफ़ी, आप फेनल टी ट्राई कीजिएगा। बोन्स की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि कैल्शियम होता है इसके अंदर, सो इट इज़ गुड फॉर बोन्स, प्रिवेंट करता है आर्थराइटिस और जॉइंट पेन को। इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल भी आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। इट प्योरीफाइज ब्लड, जिसकी वजह से ये एक्ने से फाइट करता है। इसमें विटामिन C, जिंक, सेलेनियम होता है, और साथ ही आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, जो आजकल एक मेन रीज़न है स्किन कंडीशंस के लिए भी। एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तो कई लोग इसके पानी से अपना मुँह धोना प्रेफर करते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके अर्क को यूज़ करते हैं, जैसे रोज़ वाटर बनता है वैसे ही हमने रोज़ वाटर की रेसिपी शेयर की हुई है, उसी तरीके से आप इसका अर्क बना सकते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी। इसका सिरम बना सकते हैं, बनाते हैं लोग। इसको क्रीम एंड लोशन में भी आजकल यूज़ किए जाना लगा है। बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए, स्कैल्प के लिए, डैंड्रफ से फाइट करता है। इसके पानी से अगर आप एंड में बालों को धोएंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। इसका पैक भी यूज़ करते हैं काफ़ी लोग, और मसाजिंग ऑयल भी। इसके अलावा आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। यही वजह है कि इसे काफ़ी कल्चर्स में खाने के तुरंत बाद खाया जाता है, यानी जो भी आपने खाया है उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में अच्छी तरह लगे और वो खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट हो। कॉम्बैट करता है बैड ब्रेथ से, आई साइट इम्प्रूव करता है। विटामिन A होता है, थोड़ा होता है, लेकिन क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बढ़ाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज करता है, तो आपकी आई साइट के लिए अच्छा है। डायबिटीज से फाइट करता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। साथ ही बीटा कैरोटिनिन होता है। समर्स के दौरान आपकी बॉडी पे इसका इफेक्ट काफी कूल होता है, तो हीट स्ट्रोक से प्रिवेंट करता है, हॉट फ्लशेज जिसे होती हैं उससे बचाता है। आपकी कोलेस्ट्रॉल को लो करता है क्योंकि बाइंड हो जाता है ये बायो एसिड्स के साथ आपकी बॉडी के अंदर। एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपके लिवर के लिए हेल्दी होता है क्योंकि ज़्यादा आपकी बॉडी बाइल जूसेस बना पाती है। तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं, और यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये मदर का ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ करता है। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम हो गई तो इसे न्यूली मदर्स खाएँ तो उनकी प्रोडक्शन बूस्ट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कॉलिक है, यानी उसे बहुत ज़्यादा स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है, तब भी माँ इसे कंज्यूम करे तो इसका इफेक्ट बच्चे पर आता है। थोड़ा अगर बच्चा बड़ा हो गया तो वैसे भी आप इसे नॉर्मल पानी उसे दे सकते हैं बनाकर। सौंफ का अच्छी स्लीप को प्रमोट करता है क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम होता है जो मेलेटोनिन के बनने में हेल्प करता है। तो ऐसे में बहुत अच्छी नींद आती है अगर आप इसे चबा कर सोएं, या फिर इसका पानी पीकर या चाय पीकर सोएं तो। अगर वून है, बाइट्स हैं, उससे ठीक करता है। साथ ही बूस्ट करता है सेक्सुअल ड्राइव को, प्रिवेंट करता है कुछ तरह के कैंसर से, डायरिया को ट्रीट करता है, एंटी स्पैस्मोटिक इफेक्ट होता है, इसके बारे में हमने बात की थी, सनबर्न से ट्रीट करता है और कई तरह की एलर्जीज से भी ये बचाता है। फीमेल्स के लिए फेनल सीड्स काफ़ी बेनिफिशियल है बिकॉज फेनल सीड्स के अंदर एस्ट्रोजन होता है, इसके अंदर एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में भी होता है, इसमें प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन होता है और जब फीमेल्स इसे कंज्यूम करती हैं तो उनके एस्ट्रोजन लेवल पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इनफर्टिलिटी जिन्हें है अगर वो लेंगे तो उन्हें फर्टिलिटी, उनकी बॉडी में ज़्यादा फर्टिलिटी आएगी। सो वुमेन को क्यों कंज्यूम करना चाहिए? इसके अंदर फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं एंड होते हैं एंथॉल, एनिथॉल जिसे कहते हैं। बेसिकली ये पीरियड्स को रेगुलेट करता है, आपके बैलेंस करता है हार्मोन्स को अगर वो इम्बैलेंस हो गए। पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्प्स होते हैं उसे रिड्यूस करता है। मेनोपॉज के दौरान बहुत अच्छा है क्योंकि ये बोन्स के लिए भी अच्छा है, फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, वुमेन के उनके एग्स को बनने में हेल्प करता है, साथ ही वर्जाइनल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगी, जो फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज जो फीमेल के बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, अगर आपका एस्ट्रोजन काफ़ी हाई है तो उसे बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, यानी उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और अगर लो है तो उसे इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ना अभी मैं कुछ रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, आप इसका वाटर भी ले सकते हैं, आप इसकी टी भी ले सकते हैं, आप इसका एक पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप इसको एज इट इज़ रोस्ट करके भी ले सकते हैं। ये सारी रेसिपीज मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। इसे कई तरीके से आप कंज्यूम कर सकते हैं, टी बनाकर, वाटर बॉयल करके, इन्फ्यूज़ करके, पाउडर, लड्डू की तरह इसे ड्राई रोस्ट करके आप खा सकते हैं। इसके बल्ब अगर हार्ड है तो सब्जी बना सकते हैं, अगर सॉफ्ट है तो सैलड में एज इट इज़ खा सकते हैं। इसके फ्लावर्स को आप ऐसे ही चू कर सैलड में डाल सकते हैं, इसका जो स्टॉक्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उन्हें आप सूप के ऊपर डाल सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं सब्जी में, सैलड पे ऑयल का मसाज कर सकते हैं, और जो अर्क होता है जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है वो भी आप बनाकर यूज़ कर सकते हैं। इसकी चाय कैसे बनाएं? आपको 1 कप पानी लेना है, जब वो बॉयल होने लगे तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ डाल दिया है। सौंफ डालने के बाद थोड़ी देर इसे पकाना है हमें और फिर इसे ढककर इन्फ्यूज़ करने के लिए छोड़ देना है। फिर थोड़ी देर बाद आप इसे स्ट्रेन करके कंज्यूम कर लीजिए। बहुत ही आसान है फेनल की टी बनाना। तो आपकी चाय तैयार है। अब बनाते हैं इन्फ्यूज़्ड वाटर। इन्फ्यूज़्ड वाटर बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2.5 से 3 लीटर पानी लिया है एक पैन में, और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून से लेकर 1 टेबलस्पून तक यानी 3 टीस्पून तक हम सौंफ इसके अंदर डाल सकते हैं और इसे बॉईल करना है हमें। थोड़ी देर बॉईल करने के बाद बंद कर दीजिए और इसे ढककर किचन में रख दीजिए, और अगले दिन आप इसे स्ट्रेन भी कर सकते हैं या फिर एज इट इज़ एक कांच की बॉटल में या जग में आप डाल दीजिए और यही पानी आप कंज्यूम कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपको तो आपको काफ़ी रिलीफ देगा इंडाइजेशन से, और साथ ही अगर आप इसे रेगुलरली पिएंगे तो काफ़ी हेल्दी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मेरी फेवरेट है और वो है एक तरह का मुखवास। यहाँ पर मैंने फेनल सीड्स को यूज़ किया है लेकिन उसके अलावा कुछ और इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले ये है फेनल सीड्स, 80 ग्राम के आसपास 100 ग्राम तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इंग्रेडिएंट है इलायची यानी कार्डमम, ग्रीन इलायची है ये 20 ग्राम, और मिश्री मैंने यहाँ ली है, मिश्री देसी मिश्री लीजिएगा जिसे रॉक शुगर भी कहते हैं, 30 ग्राम, और ये है नटमेग का पाउडर यानी जायफल, ये 10 ग्राम हमने लिया है। सबसे पहले हम सौंफ को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे और बाकी चीज़ों को भी ड्राई रोस्ट करना है हमें, मिश्री को छोड़कर। मिश्री अगर आप रोस्ट करने लगेंगे तो वो पिघल जाएगी हीट की वजह से। सो अब सारी चीज़ों को हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसमें मिश्री ऐड करेंगे और फिर मिश्री को ऐड करने के बाद इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये नटमेग भी मैंने ऐड कर लिया यानी जायफल, और फिर हम इसे पीसेंगे और पीसने के बाद जो पाउडर तैयार होगा उसे एक ग्लास जार में हम भर कर रख लेंगे और खाने के बाद आप इसका 1 टीस्पून तक ले सकते हैं। मैंने जिंजर पाउडर भी हल्का सा ऐड करती हूँ लेकिन वो मोस्टली जब होता है दैट इज़ ओनली ड्यूरिंग विंटर्स। सो एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रखिए। कैसे सौंफ खरीदें? सौंफ 2 तरह की आती है, मोटी वाली और पतली वाली। मोटी वाली सौंफ को विलायती सौंफ भी कहते हैं, जो तड़के के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। देसी सौंफ जो होती है वो खाने के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। हमेशा ध्यान रखें जो हरी हरी ज़्यादा सौंफ लगे वो खरीदें, जो टैन हो गई है या फिर येलो हो गई है उसे ना खरीदें, यानी वो पुरानी है, सनलाइट से दूर रखें, स्मॉल क्वांटिटी में खरीदें क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ 6 महीने तक ही होती है। ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुड बी कंज्यूम्ड इन मॉडरेशन। 1 to 3 टीस्पून आप डेली ले सकते हैं और इसे लगातार इस पर डिपेंड मत करें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। आप इसे लें और 3 महीने के बाद इसे बंद कर दें एंड देन स्टार्ट अगेन। जस्ट लाइक एक नॉर्मल आप चीज़ आपकी बॉडी इससे यूज टू नहीं होनी चाहिए, आपका जो सिस्टम है इस पर डिपेंड ना होने लग जाए। तो अपनी बॉडी को इस पर डिपेंड मत कीजिए, अपना सिस्टम को खुद काम करनी चाहिए, एज अ सपोर्ट ही इसको रखिए। दूसरा, अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स पे हैं तो उनके साथ ये इंटरफेयर कर सकता है। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप एंटीबायोटिक्स पे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इसे स्टार्ट करने से पहले। साथ ही किडनी पेशेंट्स जो हैं वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिकॉज हाई पोटेशियम होता है इसके अंदर। अगर आप बीपी की मेडिकेशन पे हैं तब भी यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, या फिर किसी भी स्पेशल मेडिकेशन पे अगर आप हैं। छोटे बच्चों को डायरेक्टली ना लें, उनकी मदर अपने डाइट में इसे इंक्लूड कर सकते हैं, उससे डायरेक्टली बेबी को भी फ़ायदा होगा थ्रू सप्लाई ऑफ मिल्क। इसकी एलर्जीज़ बहुत कम देखने को मिली हैं, लेकिन फिर भी हो सकती हैं, तो अगर आपको एलर्जीज़ हों तो उसका ध्यान रखें, स्पेशली ऑयल के साथ। एंड ये कोई मेडिकेशन नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि कैन वी यूज़ दिस फॉर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट्स। सो जैसे मैंने कहा 3 महीने तक आप लेके इसे बंद कर दीजिए, बट कोई इसे मिरेकल नहीं होगा कि सडनली इफ़ यू वांट टू यू नो इंक्रीज़ योर ब्रेस्ट तो आप इसको बहुत ज़्यादा खाने लग जाएं, भर भर के कटोरी। दैट विल हार्म यू। तो जो कंजप्शन है वो मॉडरेशन में ही होना चाहिए। सो फेनल सीड से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगी। आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।